तो स्वागत भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो ड्रीम इलेवन जमाई का T10 लीग है, इसका भाई जो आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का 12वां मैच जो कि खेला जाएगा सरे किंग्स वर्सेज कॉर्नवाल वॉरियर्स के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप भाई वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे ना तो ईजिली आप इस मैच में काफ़ी अच्छी विनिंग करने वाले हो। और भाई अगर बात करें यहाँ से डेट एंड टाइमिंग की तो आप देख सकते हो मैच भाई ये वैसे मतलब नेक्स्ट डेट खेला जाए लेकिन मैंने आज की लिखी हुई क्योंकि अब से 2 घंटे बाद ही मैच खेला जाना है। अगर बात करें मैच की टाइमिंग की तो रात को 12 बजे मैच खेला जाना है। वहीं अगर बात करें वेन्यू की तो सबीना पार्क किंगस्टन जमैका वेस्ट इंडीज़ में मैच होने वाला और पूरे के पूरे मैच पूरा टूर्नामेंट यहीं पर खेला जाएगा। पिच की अगर बात करें तो बैलेंस्ड विकेट है भाई, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी खासी हेल्प यहाँ पर होने वाली है। इसके अलावा एक चीज़ आपको बता दूँ, बाउंड्रीज थोड़ी सी छोटी रहेगी तो इससे एडवांटेज रहेगा भाई बैट्समैन को, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में जरूर से रख के चलिएगा। एवरेज स्कोर की बात करें तो 90 से 120 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर वेदर की बात करें तो वेदर भाई बिल्कुल क्लियर रहेगा, बारिश के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें भाई यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो या फिर आप एक पैसा भी लगा रहे हो इस मैच में, इन्वेस्ट कर रहे हो एक पैसा भी अपना, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक डेमो टीम प्रोवाइड करवाऊंगा। आफ्टर टॉस आफ्टर लाइनअप्स भाई जब सारी इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बाद ही फाइनल टीम आपको मिल पाएगी, तो वो मिलेगी भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक पर क्लिक करना, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओगे। और अगर बाई चांस लिंक वर्क ना करे तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो @KPM321। एक बार मैं आपको सर्च करके यहां से दिखा देता हूं, ठीक है। यहां से अगर बात करें तो @KPM321 सिंपली बस आपको इतना सर्च करना है और आप हमारे चैनल पर पहुंच जाओगे और इसी चैनल पर भाई आपको फाइनल टीम मिलने वाली है। अभी यहां पर 5.9K की फैमिली है, हो सकता है भाई यहां पर आपको 5.8K या फिर 6K की फैमिली दिख जाए, इसके अराउंड आपको यहां पर हमारी फैमिली दिखेगी और यही चैनल आपको ज्वाइन करना है। यूजर नेम भाई बिल्कुल ध्यान से डालना, एक बार मैं फिर से बता देता हूं @KPM321 बिल्कुल ध्यान से आपको यूजर नेम डालना है। यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल भाई आपको ऐसे ही आपको यहाँ पर मतलब यूजर नेम डालना है और यहीं से भाई आप चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए भाई यहाँ से बात करते हैं जो मैच है उसमें दोनों टीम्स की क्या परफॉर्मेंस रही है। तो सरे किंग्स ने 3 मैच खेले, तीनों के तीनों विन करके आ रही है। कॉर्नवाल वॉरियर्स की बात करें तो 3 मैच में से 2 मैच विन करके और 1 मैच ही अपना हार के आ रही है। वेन्यू के रिकॉर्ड्स की बात करें तो टोटल अभी तक 10 मैच खेले गए हैं, 6 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने और 4 मैच बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम ने। तो यहाँ पर क्लियरली बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि कोई सी भी मतलब बैटिंग फर्स्ट या बैटिंग सेकंड करने वाली टीम को एक तरफा मदद मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा एज यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो मेरी फाइनल टीम बनेगी ना वो भाई टॉस के बाद ही बनेगी, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल बहुत ज़्यादा जरूरी है, ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर सरे किंग्स की बात करें तो इनकी तरफ से भाई जर्मेन ब्लैकवुड दिखेंगे आपको, सॉरी भाई 3 मैच में भाई 74 रन बनाए। इसके अलावा भाई एल्डन थॉमस की बात करें 3 मैच में भाई बैटिंग बॉलिंग कुछ ज़्यादा किया नहीं। केनार लेविस ने 3 मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 102 रन इन्होंने भी बनाए हैं। ओरेन विलियम्स की बात करें तो 21 रन इन्होंने बनाए हैं 3 मैच में। इसके अलावा एंड्रे मैकार्थी ने 3 मैच में 2 विकेट और भाई यहाँ पर 33 रन भी बना रखे। कैनरन विलियम्स ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। इसके अलावा जेवियर रॉयल्स की बात करें तो भाई 3 मैच में 71 रन और 1 विकेट इन्होंने निकाल रखे, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। ब्रैड बार्न्स की बात करें तो 3 मैच में इन्होंने 30 रन बनाए। एंड्रे टेनिस की बात करें तो भाई 3 मैच में 3 विकेट निकाले। इसके अलावा भाई जो यहाँ पर शैलोम पार्नेल है 3 मैच में से भाई इन्होंने 1 विकेट निकाला। रोमारियो एडवर्ड्स 2 मैच खेले लगातार बॉलिंग कर रहे हैं बट विकेट अभी तक नहीं निकाल पाए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट प्लेयर अगर यहाँ से मार्क करके बताऊं तो जर्मेन ब्लैकवुड, इसके अलावा भाई अगर बात करें यहाँ से केनार लेविस, ओरेन विलियम्स और एंड्रे मैकार्थी, 4 आपके और यहाँ से जेवियर रॉयल्स, 5 आपके लिए मस्ट ऑफ पिक रहेंगे। इसके अलावा भाई आप अगर नीचे से ट्राई करना चाहो तो भाई आप यहाँ से एंड्रे टेनिस को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। अब अगर बात करें यहाँ पर कॉर्नवाल वॉरियर्स की टीम की तो यहाँ से आप देखोगे मिचेल फ्रू आपको दिखेंगे, 3 मैच में भाई इन्होंने 9 रन बनाए। इसके अलावा जो ओकिनो फर्नांडिसन है इन्होंने 3 मैच में 22 रन बनाए। ब्रायन गेल ने 3 मैच में ज़्यादा कुछ किया नहीं है। इसके अलावा ओमार सैम्यूल्स की बात करें तो 3 मैच में भाई इन्होंने 4 विकेट निकाले। एंड्रे मैकार्थी 3 मैच में 39 रन इन्होंने बनाए। एंड्रे मैकार्थी भाई आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एक एंड्रे मैकार्थी भाई यहाँ पर है
सारे किंग्स के पास, एक भाई यहाँ पर कोनवर वॉरियर्स के पास है। इसके अलावा भाई डेमन इवांग्स की बात करें, 3 मैच में 2 विकेट 28 रन, गजब का प्लेयर है भाई। अभी परफॉर्मेंस इसकी आनी बाकी है, ये तो नॉर्मल परफॉर्मेंस है इसकी, बहुत ही गजब प्लेयर है, ठीक है। वहीं अगर बात करें पॉल पालमर की, तो 2 मैच में कुछ खास नहीं किया। जेवो स्पेंस की बात करें, 3 मैच में 20 रन है। कैरी ओलनेस की बात करें, 3 मैच में 76 रन है, गजब का प्लेयर है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे भी आपको डेरवन ग्रीन दिखेंगे जिन्होंने कुछ खास नहीं किया अभी तक। डेमन ब्राइस दिखेंगे जिन्होंने भाई कुछ खास नहीं क्या। डेलवन ग्रीन इंपॉर्टेंट प्लेयर है लेकिन भाई अभी तक परफॉर्मेंस वैसी आई नहीं है। यहां पर अगर बात करें दोनों टीम्स के लास्ट मैचेस की परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले भाई यहां पर बात करें कॉर्नवाल वॉरियर्स की, जो अपना लास्ट मैच हराके लास्ट मैच में हराके आ रही है यहां पर भाई यूएनएस की टीम को। ओकिने फर्नांडिसन की बात करें, 14 बॉल पर 21 रन बनाए। जो स्पेंस ने 14 बॉल पर 15 रन बनाए। कैरी ओलनेस ने इस मैच में 7 रन बनाए। एंड्रे मकार्थी ने भाई यहां पर 13 रन बनाए। इसके अलावा इबांग्स ने यहां पर 6 रन बनाए। अब अगर इनकी बॉलिंग की बात करें, तो यहाँ पर आपको दिखेंगे मिचेल फ्रूथ 2 ओवर में भाई 4 विकेट इन्होंने निकाले। एक मिनट भाई, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। यहाँ पर भाई 9 विकेट इन्होंने 3 मैच में निकाल रखे भाई। मैं इसके मतलब देखना भूल गया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था इसीलिए भाई वापस आए स्टेट्स के ऊपर। 3 मैच में 9 विकेट निकाले। यहाँ पर अगर बात करें तो भाई 4 विकेट इन्होंने निकाले। इसके अलावा उमार सैम्यूल्स ने 2 ओवर में 2 विकेट निकाले। इसके अलावा यहाँ से डेरवन ग्रीन विकेटलेस गए, एंड्रे मकार्थी विकेटलेस गए, डिमान इबांग्स विकेटलेस गए। अब अगर बात करें भाई सामने वाली टीम की, यानी कि भाई जो सरे किंग्स की टीम है, ये भाई अपने लास्ट मैच में सरे राइजर्स को हरा के आ रही है। अगर इनकी भाई बैटिंग की बात करें, तो यहां पर भाई देखिए केनार लेविस 18 बॉल पर 41 रन, गजब की पारी। इसके अलावा अगर बात करें जर्मेन ब्लैकवुड 11 बॉल पर भाई 28 रन, इंपॉर्टेंट नॉक खेल कर गए। इसके अलावा 12 बॉल पर 17 बनाए एंड्रे मकार्थी ने। जेवियर रॉयल्स ने भाई 18 बॉल पर 46 रन यहां से बनाए थे इस मैच में। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर इनकी बॉलिंग की, तो भाई बॉलिंग ज्यादा कुछ खास रही नहीं। एंड्रे डेविस ने जरूर 2 विकेट निकाले थे, इसके अलावा किसी ने कुछ खास किया नहीं। आप यहां से यह देख लीजिए 2-2 ओवर कौन डाल रहे हैं। यहाँ से भाई आपको दिखेंगे ओरेन विलियम्स 2 ओवर डालते हुए, कैनरो विलियम्स, इसके अलावा एंड्रे डेनिस, इसके अलावा सभी भाई यहाँ पर 1-1 ओवर डाल रहे हैं। शैलोम पार्नेल को आप ध्यान दीजिएगा, 1 ओवर में सिर्फ 1 ही रन दिया था, मतलब रिदम में गेंदबाज, हालांकि विकेट नहीं मिला है। अब चले भाई बात कर लेते हैं डेमो टीम की। अगेन मैं आपको याद दिला दूँ, डेमो टीम आपको मैं यहीं पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। फाइनल टीम आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। सर्च करने के लिए आपको सिंपली क्लिक करना @KPM321 पर, सिंपली भाई आपको यहां पर हमारा चैनल मिल जाएगा और इसी चैनल पर भाई आपको फाइनल टीम मिलने वाली है। अब चलिए भाई बात करते हैं यहां पर डेमो टीम के बारे में। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करेंगे सबसे पहले। यहाँ से भाई विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके लिए जो स्पेंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, बैटिंग सेक्शन केनर लेविस, जेमेन ब्लैकवुड दोनों इंपॉर्टेंट है। नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ से भाई आपके लिए के ओलनेस इंपॉर्टेंट रहेंगे, एंड्रे मकार्थी दोनों आपकी टीम में होने चाहिए, और भाई यहाँ से दोनों को आप CVC भी ट्राई कर सकते हो, दोनों ही गजब के प्लेयर है, ठीक है। यहाँ से मिचेल फ्रू आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 3 मैच में से भाई यहाँ पर देखिए, पहले मैच में 1 विकेट, उसके बाद लगातार 2 मैच में 4-4 विकेट, गजब से भी ऊपर की परफॉर्मेंस दे रहा है बंदा। इसके अलावा भाई डी बांग्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, जरूर से ट्राई कीजिएगा। वहीं अगर बात करें यहां पर डेरवल ग्रीन की, तो जीएल मिनी जीएल में जरूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हालांकि परफॉर्मेंस नहीं आई है। बॉलिंग सेक्शन की बात करें, जेवियर रॉयल्स बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करेगा, एंड्रे डेनिस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा ओ सैम्यूल्स को आप ट्राई कर सकते हो, एस पार्नेल्स के बारे में मैंने आपको बताया, रिदम में गेंदबाज लेकिन भाई विकेट नहीं मिला, अगर आप चाहो तो इसके साथ भी जा सकते हो। CVC की बात करेंगे तो भाई कैप्टन मिचेल फ्रू को लेकर जाएंगे। VC की अगर बात करें तो भाई यहां से एंड्रे मकार्थी हमारे VC रहेंगे, जो भाई सारे किंग्स वाले एंड्रे मकार्थी है, ध्यान दीजिएगा कभी कंफ्यूज हो जाओ और यहां से कॉर्नवाल वॉरियर्स के वालों को बना दो, ठीक है। इसके अलावा केनार लेविस भी आपके लिए CVC के अच्छे चॉइस रहेंगे, बट अभी के लिए मैं एंड्रे मकार्थी के साथ जा रहा हूं। बाकी अगर आप चाहो तो आप केनार लेविस के साथ भी जा सकते हो। फाइनल टीम में हो सकता है भाई मैं मेरे CVC चेंज करता नजर आऊं, तो उसकी अपडेट आपको सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अभी के अभी आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। सर्च करने के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, यहाँ पर आप देखिए सर्च आपको सिंपली करना है @KPM321, सिंपली बस आपको इतना लिखना और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, इसी चैनल पर भाई आपको फाइनल टीम मिलने वाली है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।